नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। आईएनएक्स मीडिया केस में जांच का सामना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा, ये बड़ी राहत है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री के अंतरिम संरक्षण के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए और अगर ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज करता है तो उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई जा रही है। अदालत में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, वो 74 साल के व्यक्ति हैं, उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जा सकता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पी चिदंबरम आज सीबीआई मामले में निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने के लिए गए थे। अगर निचली अदालत से चिदंबरम को जमानत नहीं मिलती है तो निचली अदालत पी चिदंबरम को सीबीआई रिमांड में भेज सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। गुरुवार को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, उसी दिन चिदंबरम की रिमांड भी खत्म हो रही है। अब देखना यह होगा कि क्या चिदंबरम एक बार फिर से हिरासत में जाते हैं या उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। कानून के अनुसार जिस मामले में चिदंबरम आरोपी है उसमें पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है। चिदंबरम ने पहले अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने पैसे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। चिदंबरम ने शुक्रवार को विशेष सीबीआई अजय कुमार कुहर को बताया, वे लगातार मुझे 3 फाइलें दिखा रहे, आज भी वही फाइलें मुझे लगातार 1.5 घंटा तक दिखाया गया है। अब आपको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता दें, क्या है आखिर मामला। 15 मार्च 2007 को आईएनएक्स मीडिया ने एफआईबीपी के स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के सामने आवेदन दिया, जिसमें एफआईबीपी ने 18 मई 2017 को इसके लिए सिफारिश की, लेकिन बोर्ड ने आईएनएक्स मीडिया द्वारा आईएनएक्स न्यूज में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने की अनुमति नहीं दी। यहां तक कि आईएनएक्स मीडिया के लिए भी एएफआईपीवी ने सिर्फ 4,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एफडीआई निवेश की अनुमति नहीं दी। सीबीआई के अनुसार आईएनएक्स मीडिया ने नियमों को नजरअंदाज किया और जानबूझकर आईएनएक्स न्यूज में 26% के लगभग निवेश किया। यही नहीं, उन्होंने 800 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपने शेयर को जारी करके आईएनएक्स मीडिया के लिए 305 करोड़ की एफडीआई जुटाई, जबकि उन्हें सिर्फ 4,62,00,000 करोड़ की ही एफडीआई की अनुमति थी। तो ये थे आज के पी चिदंबरम मामले के अपडेट्स। लगातार राष्ट्रीय खबरों के लिए, राज्य के खबरों के लिए बने रहे आप सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की खबरें आप तक जरूर पहुंचाएगी, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा वादा है। लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, इसके लिए हमारे खबरों को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और अपना प्यार जताने के लिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।